जी आया नू प्यारे विद्यार्थियों, 10वीं जमात की गणित की किताब का पाठ पहला वास्तविक संख्यावां अभ्यास नंबर 1.1 दे अगले दो अते आखिरी सवाल चौथा पंजवां इस वीडियो विच असी करांगे। तुसी वीडियो नू बड़े ध्यान दे नाल देखो, सुनो ते समझो। हल नाल दे नाल अपनी नोटबुक विच उतार लो, पर मगरों दी इन्हां सवालों नू अपने आप करन दा अभ्यास भी जरूर करो। सवाल शुरू करिए। सो चौथा सवाल है बच्चों, कहते यूक्लिड वंड प्रमेय का प्रयोग करके दिखाओ कि किसे धनात्मक संपूर्ण संख्या का वर्ग किसे संपूर्ण संख्या एम दे लई 3m जां 3m जमा 1 दे रूप विच हुंदा है। एहो जे जद सवाल आने बच्चों की शुरुआत में यह सिद्धांत जरूर लिखना है, तुसी इनू कंठ कर लेना है चंगी तरह। कंठ करके जबानी लिख के यदा तुसी अभ्यास कर लवो। सो लिखना, असी जानते हाँ कि यूक्लिड वंड प्रमेय के मुताबक कोई दो संपूर्ण धनात्मक संख्यावान संपूर्ण भी होन धनात्मक भी होन संख्यावान ए अते बी ले दो विलक्षण संपूर्ण संख्यावान क्यू अते आर इवें होंदिया हन के ए बराबर बी क्यू जमा आर। अर्थात जिहड़ी दो संख्यावान ए और बी उन्हों इस रूप में लिखा जा सकता है, बी नू क्यू ना गुणा करके ते जमा आर, जिथे जिहड़ा आर हैगा वो बी तो घट होएगा ते सिफर या सिफर तो ज्यादा होएगा। देखो बड़ा है ते नाल बराबर का चिन्ह भी है, आर जिहड़ा है वो सिफर भी हो सकता है, सिफर तो वड्डा भी हो सकता है, पर बी जिहड़ा होएगा बी छोटी संख्या या दूजी एक संख्या जिहड़ी जनरल होगी वो तो छोटा होएगा, इस गल का ख्याल रखना है। सो हुण असीं इह जिहड़ा सिद्धांत है हुण असीं इहदा मान लैणे, मान लो ए बराबर कोई धनात्मक संपूर्ण संख्या, इहनां कहिंदे किसे धनात्मक संपूर्ण संख्या, सो उहनूं असीं ए मान लिया। जिहड़ी बी हैगी उहनूं जिहदे नाल गुणा कीता इहनां ने दिखाया ना जिस रूप विच, इह तजर्बे नाल सवाल जिहड़े करोगे तुहानूं पता लग जाएगा। पहला सवाल एक असीं खरे दूजा सवाल भी इसी किस्म दा सी उसी कीता सीगा। सो इहदे 3 हैगा ते इत्थे भी 3 हैगा, सो असीं इहनूं बी नूं 3 लवांगे। ठीक है, हुण जे बच्चो बी 3 हैगा ते आर जिहड़ा है बी तो छोटा होएगा, यानी कि आर या 2 होएगा या 1 होएगा या 0 होएगा, क्योंकि आर 0 तो वड्डा है या 0 दे बराबर है ते बी तो छोटा है, इसलिए संभावित बाकी बाकी है आर, आर जिहड़ा है बच्चों रिमाइंडर बाकी जिहनूं कहिंदे आ, ए भाज हो गया, बी भाजक हो गया, क्यू भागफल हो गया ते आर बाकी हो गया। ठीक है, यह ओहला सिद्धांत है, ओहला जिहड़ा सूत्र हैगा उहदी वरतों कीती गई है। सो आर बराबर ए होंगे या 0 होएगा या 1 होएगा या 2 होएगा, क्योंकि बी 3 हैगा ते आर बी तो छोटा होएगा। ठीक है, भाव संख्या हुण ए हुण इहदे च असीं मुल पा देंगे, जे मैं 0 पावां मुल ते ए बराबर बी क्यू ते बी किन्ना 3, सो 3 क्यू दा रूप हो जाएगा, ते जे आर मैं 1 लावां ते इत्थे बी 3 हैगा सो 3 क्यू जमा 1 हो जाएगा, ते जे आर 2 लावां ते 3 क्यू जमा 2 हो जाएगा। सो ए जिहड़ा संख्या धनात्मक संख्या असीं मन्नी है उहदे 3 रूप संभव ने, 3 क्यू, 3 क्यू जमा 1 या 3 क्यू जमा 2 दे रूप विच हो सकती है। ठीक है, जिथे क्यू भागफल है। हुण असीं सिद्ध करना है कि जिहड़ा वर्ग हैगा संख्या दा वर्ग वो 3m या 3m जमा 1 दे रूप विच होएगा। और देखिए हुण अगे किदां करना है, मैं इत्थे फिर दोहरा दिता है ताकि सानूं लड़ी जुड़ी रहे। ठीक है, हुण उन्होंने वर्ग की गल की है, सो जे ए 3 क्यू हैगा ते इहदा वर्ग कर देंगे, 3 क्यू दा वर्ग जिले करांगे ते 3 3 9 ते क्यू दा वर्ग हो गया। हुण बच्चों मैं 9 नूं 3 गुणा 3 लिख सकदा, सो 3 ब्रैकेट पा के 3 क्यू वर्ग, ते 3 क्यू वर्ग जिहड़ा है इह क्यू भागफल है, भी क्यू ही संपूर्ण संख्या हैगी है ते संपूर्ण संख्या दा वर्ग भी संपूर्ण संख्या होएगा, ते जिले संपूर्ण संख्या नूं 3 नाल गुणा करांगे वो भी संपूर्ण संख्या होएगी। सो इहनूं मैं 3 क्यू वर्ग नूं बराबर एम लै के मैं 3m लिख सकदा, सो इहनूं कि 3m दे रूप च होएगी। सो इक ते गल सिद्ध होगी 3m दे रूप च होएगा वर्ग। दूजा हैगा 3q जमा 1, हुण 3q जमा 1 का वर्ग ले लेंगे, तो बच्चों यह सूत्र तुम चेते रखना, यह तत्समक असं पढ़ चुके हैं अपनी किताबों में, यदा सूत्र है वरत्या गया इतने 3q का वर्ग 9q वर्ग जमा 3 गुणा 1 गुणा 2 6 हो गया ते क्यू आ गया ते जमा 1 का वर्ग 1। हुण बच्चों इतों मैं 3 कॉमन ले लिया ये और ये 3 बाहर लिया, तो इतने अंदर है गया 3q वर्ग ते जमा 2q 3 दूनी 6 ते जमा 1 का बखरा करके लिख लिया। हुण बच्चों इनू मैं की किया 3q वर्ग जमा 2q नू मैं एम ले लिया, तेरी थां मैं लिख दिया 3m जमा 1, सो दूजा रूप आ गया, हुण कहना 3m या 3m जमा 1 दे रूप विच होएगा। सो दूजी जिहड़ी संख्या सी बच्चे दूजा रूप वह भी असी वह वर्ग 3m जमा 1 दे रूप विच आ गया।
ਹੁਣ 3 ਕਿਊ ਜਮ੍ਹਾਂ 2 ਹੈ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੂਪ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਕਿਊ ਵਰਗ ਜਮ੍ਹਾਂ 3 ਗੁਣਾ 2 6 6 ਗੁਣਾ 2 ਹੈ ਵਾਲਾ 6 ਗੁਣਾ 2 12 ਤੇ ਕਿਊ ਤੇ 2 2 4 ਹੁਣ 4 ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 3 ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ 1 ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 3 ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ 1 ਕਰ ਤੋੜਤਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ 3 ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਵੀ 3 ਤੇ 3 ਬ੍ਰੈਕਟ 3 ਕਿਊ ਵਰਗ ਜਮ੍ਹਾਂ 4 3 ਚੌਕੇ 12 ਤੇ 3 ਏਕਮ 3 ਜਮ੍ਹਾਂ 1 ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਮ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੋ 3 ਐਮ ਜਮ੍ਹਾਂ 1 ਇਹ ਵੀ 3 ਐਮ ਜਮ੍ਹਾਂ 1 ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੋ 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੂਪ ਸੀਗੇ ਐਵਲੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ 3 ਐਮ ਜਾਂ 3 ਐਮ ਜਮ੍ਹਾਂ 1 ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗ ਦੇਖੋ ਵਰਗ ਇੱਥੇ ਵਰਗ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਵਰਗ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਵਰਗ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਐਮ ਐਮ ਕਿਉਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਊ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਊ ਦਾ ਵਰਗ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅੰਤਰਗਤ ਜੋੜ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਬੰਦ ਹਨ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਐਮ ਦੇ ਲਈ 3 ਐਮ ਜਾਂ 3 ਐਮ ਜਮ੍ਹਾਂ 1 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੀਏ ਅਗਲਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਇਹ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਪ੍ਰਮੇਯਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਕਿਸੇ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਕਣ ਹੁਣ ਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗ ਦੀ ਸੀ 9m 9m ਜਮ੍ਹਾਂ 1 ਜਾਂ 9m ਜਮ੍ਹਾਂ 8 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੀ ਨੂੰ 9 ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬੀ ਨੂੰ 9 ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ 8 7 6 5 4 3 2 0 1 0 ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਵਰਗ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਵਰਗ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 9 ਹੈਗਾ 9 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 3 ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 3 ਲਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ 3 ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਗ ਕਰਾਂ ਕਣ ਕਰਾਂਗਾ 3 ਤੇ 9 9 ਤੇ 27 ਆਪੀ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਪ੍ਰਮੇਯਕਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਦੋ ਸੰਪੂਰਨ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ A ਅਤੇ B ਲਈ ਦੋ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Q ਅਤੇ R ਇਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ A ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ B ਬਰਾਬਰ 3 ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ R 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ B ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਾਕੀ R ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 0 1 ਅਤੇ 2 ਹਨ ਭਾਵ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ A ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬੱਚੇ ਫਿਰ 3 ਕਿਊ 3 ਕਿਊ ਜਮ੍ਹਾਂ 1 3 ਕਿਊ ਜਮ੍ਹਾਂ 2 ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਊ ਭਾਗਫਲ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੂਤਰ ਵਰਤਾਂਗੇ ਕਣ ਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੰਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਏ ਜਮਾਂ ਬੀ ਦਾ ਕਣ ਬਰਾਬਰ ਏ ਕਣ ਜਮਾਂ 3 ਏ ਬੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਏ ਜਮਾਂ ਬੀ ਜਮਾਂ ਬੀ ਦਾ ਕਣ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਫੇਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਹੁਣ 3 ਕਿਊ ਦਾ ਕਣ ਕੀਤਾ ਜਿੱਲੇ ਤੇ 3 3 9 3 27 ਕਿਊ ਦਾ ਕਣ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 9 ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਨਾ ਦੇਖੋ 9 ਆਪੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ 9 ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਤੇ 9 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3 ਸੋ ਜਿੱਲੇ 3 ਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਣ ਸੋ 3 ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 3 3 9 ਕਰਾਂਗਾ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂਲ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ 9 3 3 9 ਤੇ 9 3 27 ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣੀ ਆਪਣੀ 1 2 ਤੇ 3 ਕਿਉਂਕਿ 2 1 ਤੇ 0 ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ 3 3 9 3 27 ਇਹ 3 ਮੈਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ 9 ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ 3 ਕਿਊ ਵਰਗ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ 9 m ਕਿੱਦਾਂ 3 ਕਿਊ ਘਣ ਨੂੰ m ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਆ ਗਿਆ 9 m ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੁਣ 3 ਕਿਊ ਜਮ੍ਹਾਂ 1 ਇਹਦਾ ਘਣ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਘਣ ਲਿਆ ਤੇ 3 ਕਿਊ ਦਾ ਘਣ ਜਮ੍ਹਾਂ 3 ਇਹ a b ਹੈਗਾ 1 ਤੇ a ਜਮ੍ਹਾਂ b ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ 1 ਦਾ ਘਣ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 27 ਕਿਊ ਦਾ ਘਣ ਜਮ੍ਹਾਂ 9 ਕਿਊ 3 ਕਿਊ ਜਮ੍ਹਾਂ 1 ਜਮ੍ਹਾਂ 1 ਜਿੱਲੇ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਤੇ 27 ਕਿਊ ਦਾ ਘਣ ਜਮ੍ਹਾਂ ਇਹ 9 ਤੇ 27 ਜਮ੍ਹਾਂ 9 ਕਿਊ ਜਮ੍ਹਾਂ 1 ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 27 ਕਿਊ ਘਣ ਜਮ੍ਹਾਂ 27 ਕਿਊ ਵਰਗ ਜਮ੍ਹਾਂ 9 ਕਿਊ ਜਮ੍ਹਾਂ 1 ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਸੋ 9 ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਿਆ 3 ਕਿਊ ਘਣ ਜਮ੍ਹਾਂ 9 ਕਿਊ ਵਰਗ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ 3 ਆਣਾ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 27 ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ
नौती अस्ताई, नौती अस्ताई, ते नौ एकम नौ, इतने कला क्यू ते जमा एक। हुण बच्चे देखो ए पूरे नू मैं की लै सकदा, इत्थे भी तीन हैगा, ठीक है। सो है इनू एम लैके ते अपने नौ एम जमा एक रूप आ गया वही वाला। और देखिए नतीजा अगला भाग, हुण आ गया तीन क्यू जमा दो का कारण, तीन क्यू का कारण जमा तीन, तीन क्यू दो, तीन क्यू जमा दो, दो का कारण, ते अपने सताई क्यू का कारण जमा अठारह क्यू, ए तीन ती नौ, नौ दूनी अठारह, तीन क्यू जमा दो जमा दो दूनी चार दूनी अठ। जिले ब्रैकेट खोलिया, सत क्यू का कारण जमा अठारह क्यू चुरंजा क्यू वर्ग, ते जमा अठारह नौ छत्ती क्यू जमा अठ। तो हम बच्चों इतों फिर नौ कॉमन आ गया, तो नौ थी सताई, तीन क्यू कण, तो नौ छिक चुरंजा छे क्यू वर्ग, तो जमा नौ चौक छत्ती चार क्यू जमा अठ। हूँ इनू कि नौ जमा अठ, तो क्योंकि ए पूरे नू मैं एम लै लिया। तो बच्चों ने यही कहा भाव किसी धनात्मक संपूर्ण संख्या का कण किसी संपूर्ण संख्या एम दे नौ एम, पहला नौ में आया, नौ एम जमा एक, दूजा रूप नौ एम जमा एक आया सगा, तो दूजा रूप तीजा रूप नौ एम जमा अठ के रूप आया, दे रूप होंगे है, तो साडा सिद्ध हो गया। बच्चों ए जी यूक्लिड प्रमेय हैगा, यूक्लिड वंड प्रमेय का बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इदा के सवालों जरा असिद करने जी चीज़ है बड़ी सहाई होंगी है। तो तकरीबन इस अपना अभ्यास के तीन असी इस किस्म के सवाल जोड़े ने किए ने जिते असी यूक्लिड वंड प्रमेय का की वरतों की है। तो बच्चों जिम्मे तुम पहले क्या ए जमा बी पूरे का वर्ग, तो ए जमा बी पूरे का कण जरा सूत्र थोड़ू हर वेले कंठ होने चाहिए ने, कितना ना किसी किसी न किसी सवाल में इन्हों की वरतों आ जाती है, यह तुम्हें पता होनी चाहिए है। यह तुम्हें पेपर में नहीं दसया जाएगा कि यह सूत्र मतलब कि विस्तार की होंगे, यह तुम्हें पता होना चाहिए। सो प्यारे विद्यार्थियों, तुम इसी तरह नेम के नाल उत्साह नाल अनुशासन नाल अपनी पढ़ाई करी चलो, तो अगले वीडियो तक लई रब राखा। तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद।